हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त आशु। आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर 89 अंडरवुड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट परिना रामाउंस की, जो कि सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्शन अपडेट। क्या इसका परिना रामाउंस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट अब तक हुआ भी है या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि कंस्ट्रक्शन के बारे में एक वीडियो बनना चाहिए। तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोग को अपडेट कर देता हूँ, जिन लोग के यहाँ पे फ्लैट हैं उन लोग तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। दूसरा, इसमें अगर कुछ 1 BHK के लिए इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हो तो 1 BHK कुछ इन्वेंट्री आ रखी है, जो कि आप अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए फुल हेल्प करेंगे एफिडेविट के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंड थिंग, इसमें आप अगर 3 BHK प्लान कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की मार्केट में क्वेरी थी कि 3 BHK चाहिए, कन्फर्म अलॉटमेंट और बड़ा साइज होना चाहिए, जिसमें कि बिग बालकनी हो और आपका फर्स्ट फ्लोर की इन्वेंट्री होना चाहिए। काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि फर्स्ट फ्लोर की अगर इन्वेंट्री मिल जाती है और बालकनी का साइज बड़ा होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसमें MQ की इन्वेंट्री भी कुछ हमारे पास आ रखी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कंस्ट्रक्शन का, दूसरा 1 BHK इन्वेंट्री भी है इसमें, तीसरा जो 3 BHK है कन्फर्म अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है आपको, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाला है और बालकनी भी काफ़ी बड़ी है, जो कि आपकी ये अंडर MQ चीज़ें हैं। आइए एक बार सबसे पहले कवर कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की क्या सीन है, कितना काम स्टार्ट हुआ है या अभी नहीं हुआ है। एक बार करते हैं आप लोग के साइड में एक बार इसकी साइड विजिट। परिना रामो होम सेक्टर 89 कंस्ट्रक्शन अपडेट, जैसे कि आप लोग के सामने ही है। ये आपका डिगिंग का काम चल रहा है और आगे आपका सीमेंट वर्क भी स्टार्ट हो रखा है, जो कि आपका फाउंडेशन के लिए ये तैयारी कर रहे हैं अपनी। सराउंडिंग इसकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, बेसिकली काफ़ी लग्जरी सेगमेंट में चीज़ें यहाँ पे नियर बाय आ रही हैं आपके। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो लोग यहाँ पे 1 BHK प्लान करेंगे या 3 BHK MQ के इन्वेंट्री के लिए प्लान करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और कौन कौन सी सोसाइटीज़ यहाँ पे नियर बाई हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ये आपका MRG मेरिडियन है, उसके पड़ोस में आपका NVCC हाइट, जिसमें फैमिलीज मूव कर चुकी हैं। मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ जिसमें कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ पे कपड़े सूखते हैं तो आइडिया उससे आप लगा सकते हो कि फैमिलीज यहाँ पे मूव कर चुकी हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो लो राइज ये ऑरिस के थे और अभी जल्दी एस ने इनको परचेज कर रखा है, तो ऑरिस एस के लो राइज आप कह सकते हो, जो कि लग्जरी सेगमेंट में हैं चीज़ें। तो 3 BHK और 1 BHK, अगर 1 BHK छोटा इन्वेस्टमेंट करना हो आप लोग ने तो 1 BHK की इन्वेंट्रीज में आ रखी है, और 3 BHK अगर आपने करना हो फर्स्ट फ्लोर की इन्वेंट्री है वो भी आपको मिल जाएगी। ये जो सोसाइटी आप लोग देख पा रहे होंगे ये बेसिकली आपका दिलीप की प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी सिग्नेचर की है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग, और ये आपकी जो बेसिकली परिना का ये रहने वाला कमर्शियल, जो कि आपका फ्रेंड कह सकते हो, सोसाइटी आपकी यहाँ पे रहेगी, जो कि 3 BHK टॉवर सारे आपके फ्रेंड में आएंगे, और यहाँ पे आपके आने वाली है कमर्शियल, और यहाँ पे आपका है सारा M3M स्मार्ट वर्ल्ड, जो कि सारी लग्जरी सोसाइटीज बन रही है आपकी। सराउंडिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है, ये सारा काम M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का चल रहा है। अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ से कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, इसलिए क्योंकि इन सोसाइटीज़ के बैक साइड में आपका है RB हॉस्पिटल, जो कि सेक्टर 90 में आता है, RPS स्कूल जो कि सेक्टर 89 में,
और अगर मैं बात करता हूँ NH8 की, तो NH8 भी आप यहाँ से हार्डली 4-5 किलोमीटर की रेंज में कह सकते हो। ऑन पटौदी रोड आपका ये प्रोजेक्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे भी आपका यहाँ से आप कह सकते हैं 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में। तो कनेक्टिविटी जो आपकी हाईवे से है, 3 हाईवे आपके नियर बाई, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8 और आपका पटौदी। बेसिकली पटौदी जो आपका रोड है वो 6-lane हाईवे होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोग को मिलने वाला है इसमें। और परिना के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, जो कि आपने सुना होगा गुड़गांव में सेक्टर 112 में PH का परिना के नाम से, और परिना एक इनका प्रोजेक्ट है सेक्टर 99 में परिना खोबान के नाम से, जो सेक्टर 112 में है वो ओम अपार्टमेंट के नाम से है। सेक्टर 99 में परिना लक्ष्मी अफोर्डेबल हाउसिंग परिना खोबान आपका लग्जरी अपार्टमेंट है, और ये बेसिकली परिना राम होम्स के नाम से है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी अपना टाइम से स्टार्ट कर रखा है। बाकी काफ़ी बिल्डर होते हैं जो कि टाइमली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते, तो कंस्ट्रक्शन इन्होंने टाइमली स्टार्ट किया, तो पोजीशन भी आपको टाइमली ही देंगे। बाकी जुड़ा रहे हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय। कंस्ट्रक्शन आपका फुल स्विंग में है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे डंपर प्रॉपर चल ही रहे हैं और JCB भी प्रॉपर अपना काम कर रहा है। सो कंस्ट्रक्शन भी काफी स्पीड से चल रहा है।